हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ हुए रेप के बाद जलाए जाने के मामले के बाद एक महिला टीवी कलाकार ने पूर्व विधायक और भाजपा नेता के बेटे और उसके दो दोस्तों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है और पुलिस का कहना है कि कलाकार ने अपनी शिकायत में कहा कि टी नंदेश्वर गोड़ के बेटे आशीष गोड़ और उसके दो दोस्तों ने एक होटल में उसके और उसकी दोस्त के साथ दुर्व्यवहार किया है। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि आशीष और उसके दोस्तों ने हमारा हाथ खींचा, हम पर चिल्लाया और हमसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हम पर बोतलें भी फेंकी। पुलिस ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया कि होटल में तैनात बाउंसरों ने आशीष गोड़ और उसके दोस्तों का पक्ष लेते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी फरार हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े आशीष गौड़ ने हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के आरोपियों की मौत की सजा देने की मांग करते हुए शनिवार को प्रदर्शन भी किया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।